If AB is a pole of height 6 meter, extend at a point B, and CD is a leader, implying the angle 60 degrees to the horizontal. अच्छा देखिए यहाँ, AB आपका एक पोल है, इसका B बेस ले देते हैं. अच्छा, ये AB हो गया, 6 मीटर पोल, है ना? CD is the leader, implying 60 degrees to the horizontal, and reach up to point D of the pole. Reach up to point AD equal to में दिया है 2.54, then the find the length of the leader. तो देखिए यहाँ पर ये leader हो गया, ये angle subtend कर रहा है 60 degree. यहाँ पर क्या नंबर CD, AD दिया है 2.54 मीटर. तो length of the leader इसको हम लोग suppose कर लेते हैं कि x है. यहाँ देखिए, let the length of the leader equal to में x. BD कितना हो जाएगा, तो AB में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे AD को, 6 मीटर माइनस 2.54 मीटर, यानी कि आ जाएगा 3. कितना आ जाएगा, 3.46 मीटर. ये BD हो जाएगा 3.46 मीटर. ठीक है, अब इसके बाद देखिए साइन लगाएंगे. साइन थीटा इक्वल टू, जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, तो यहाँ पे साइन 60 अगर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर BD बाई हाइपोटेनस CD. टेन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू BD है आपका 3.46, और बाई में CD हमें CD यानी x, तो √3x इक्वल टू में 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर देखिए 60 × 12 1, और यहाँ पे फोटो जाइट 9.6, x इक्वल टू 6.92 मीटर बाई में √3, है ना? तो √3 का वैल्यू 1.73 रखना है ना, यहाँ रख देते हैं, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 6.92 बाई में 1.73 मीटर, कट जाएगा 4 टाइम. देयरफॉर x इक्वल टू 4 आ गया ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेडर इक्वल टू में 4 मीटर हो जाएगा. समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर